हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हमारा है चैप्टर नंबर 4 का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 41 पर हैं हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो, मैंने ये कोशिश की है आप लोगों को, क्योंकि आगे जब हम सम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के, तो मुझे इतना आप मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चन भी देख पाएँ और आप उसका सॉल्यूशन भी देख पाएँ, ठीक है। एक ट्रायल है, देखते हैं अगर सक्सेसफुल हुए तो। ओके, कह रहा है बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। और इतना ही मैं आपसे बोल सकती हूँ, आप खुद समझदार हैं। उसके बाद कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी क्यू आर आर पार्टनर्स हैं, आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। एस वॉज एडमिटेड इन टू पार्टनरशिप, एस ब्रिंग्स 30,000 rupees तो कैपिटल के लाया है, एस इज एंटाइल्ड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही इक्वली फ्रॉम पी क्यू आर। देखो इसका मतलब इक्वली गिवन है ना, तो उनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या आएगा, 1:1:1, 1/5 का इक्वल इक्वल लिया है, मतलब 1/5 का इनटू 1/3 पी से, 1/5 का 1/3 क्यू से, 1/5 का 1/3 आर से। फिर वो कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3-year परचेज ऑफ लास्ट 4 years, लास्ट 4 year का आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। और कह रहा है शी एस कैन नॉट ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, इसका मतलब ये नहीं लेके आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का एस करंट अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर, जो भी सेक्रीफाइजिंग करेंगे। कह रहा है और गुडविल अपीयर थी, तो इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल हो गई आपकी बुक्स में, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल हो गई और गिव जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओल्ड ही गुडविल को राइट ऑफ कर लेते हैं, लेकिन हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। पी क्यू आर आर पार्टनर्स शेयरिंग 5:3:2 और दे एडमिट एस 4/1/5 शेयर, ठीक है। और एस ने क्या लिया, 1/1/1, तो 1/3 किससे लिया, इक्वली तीनों से लिया, तो इसलिए 1/3 हो जाएगा, 1/3 फ्रॉम पी, 1/3 फ्रॉम क्यू और 1/3 फ्रॉम आर। अगर बेटा मैं कहूँ ना, देखना आप, यही इनका 1:1:1 ही इनका सेक्रीफाइजिंग रेशो आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हम कहेंगे आर कौन आ रहा था, एस एक्वायर फ्रॉम पी 1/5 का 1/3 उसने पी से लिया है, तो 1/15 फ्रॉम पी, एस एक्वायर 1/5 का 1/3 फ्रॉम क्यू। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन आप लोग अभी एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ, 1/5 फ्रॉम 1/3 फ्रॉम आर, एस आएगा, एस एक्वायर फ्रॉम आर, तो ये एक्वायर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पी का न्यू रेशो निकालेंगे, पीज न्यू रेशो इजल टू 5/10 था, 1/15 दे दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 5/8/10, हाँ 30, 15 - 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13/30। क्यू का आ जाएगा, क्यूज़ न्यू रेशो 3/10 था, -1/15 दे दिया, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 9 - 2, 7/30। और हमारा रह गया क्या, एस का न्यू शेयर 2/10 था, 1/15 इसने भी दे दिया, तो यहाँ आ जाएगा 30, 4/30 ये आ गया। और जो आया है उसको तो लिखते ही हैं, यहाँ पर आर है, पी क्यू आर और एस का न्यू शेयर तो है ही 1/5, तो न्यू शेयर ऑफ पी क्यू आर और एस, इसका आ रहा है 13/30, इसका आ रहा है 7/30, इसका आ रहा है 4/30 और ये आया था 1/5 के लिए, एलसीएम ले लेंगे 13, 7, 4, 6, ये आपका आ गया न्यू रेशो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेक्रीफाइजिंग रेशो कैलकुलेट करना है आप लोगों को,
तो सेक्रीफाइजिंग ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो 1:1:1 ही आएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? देखो कैलकुलेट कर लेते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशो। सेक्रीफाइजिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितना था हमारा 5:10, न्यू कितना आया है हमारा 13, ये हो गया 13/30। यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 30 15 माइनस 30, तो 2/30 आ गया फर्स्ट का। सेकंड का क्या करोगे आप, ये आ गया पी का, क्यू का 3/10 है, माइनस कितना आया था हमारा न्यू रेशो 7/30, 30 एलसीएम, 9 माइनस 7 2/30, और यहाँ हो गया पी क्यू आर का था 2/10 था और आया क्या 4/30, 30 एलसीएम 6 माइनस 4 तो 2/30 आ गया। तो पी क्यू आर का सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या हो जाएगा, वही 2/30, यहाँ पर भी 2/30 और यहाँ पर भी 2/30, 30 डिनोमिनेटर सबका सेम है 2:2:2, अगर इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1:1:1 आ गया ना सेम। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर वो पूछता नहीं है तो, जिस रेशो में इक्वल इक्वायर कर रहा है तो इक्वल ही सेक्रीफाइजिंग रेशो आएगा, आप डायरेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ओल्ड गुडविल है, अगर फर्म की ओल्ड गुडविल अपीयर है तो सबसे पहले ओल्ड को राइट ऑफ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ठीक है। जो भी पुरानी गुडविल होती है उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड में राइट ऑफ कर लेते हैं और उसका नाम गुडविल ही आ जाता है। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबसे पहले पुरानी गुडविल का ही ट्रीटमेंट करते हैं। टू गुडविल अकाउंट कितना है हमारी, ओल्ड गुडविल है हमारी 50,000, 50,000 को 5/10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000, 15,000 और 10,000, हो गया 50,000, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, कह रहा है वो लेके नहीं आया गुडविल के पैसे, लेकिन गुडविल हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए क्या करें, अब हम कैलकुलेट कर लें गुडविल, देखो यहाँ पर कर लेते हैं। क्या कह रहा है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एपी इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, एपी कितना है हमारा कैलकुलेट करना है, एपी इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 32,000 प्लस 38,000 प्लस 35,000 प्लस 31,000, जितने साल हैं, कितने साल हैं 1 2 3 4, 4 ईयर हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आप लोगों का 1,36,000, 1,36,000 डिवाइड बाय 4 करोगे आप, 4 3 12, 4 4 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 34। तो गुडविल कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, गुडविल इज इक्वल टू एपी 34,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या दे रखा था इन्होंने, परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज, ये दे रखा 3 ईयर परचेज, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब ये कौन सी गुडविल आई है, फॉर्म की गुडविल आई है, ये फॉर्म्स गुडविल कितनी आ गई बेटा, फॉर्म की गुडविल 1,02,000। अब हम उसमें से कौन आ रहा था न्यू, एस शेयर निकाल लेंगे, एस शेयर कितना होगा हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, 1,02,000 इनटू में कितना है 1/5 के लिए आ रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,400। एस की गुडविल का शेयर कितना हो गया, इसका मतलब 20,400, लेकिन वो कैपिटल नहीं लेके आ रहा है कैश में, ठीक है। तो क्या होगी, एक ही एंट्री होती है, सिंगल एंट्री, एस करंट अकाउंट डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करते हैं उन्हें क्रेडिट कर देते हैं,
तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, एस करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होता है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन से रेशो में, सेक्रीफाइजिंग रेशो में, जो कि क्या है इक्वल इक्वल सेक्रीफाइजिंग रेशो, पहले ही पता लग गया था इक्वल इक्वल है, लेकिन हमने कैलकुलेट भी कर लिया 20,400 का अगर मैं इक्वल इक्वल करूंगी तो 1/3 कर दो इनटू में 1/3 6800 आ जाएगा, 6800 और 6800, क्लियर हो गया सब, बोलो किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, देखो पी क्यू आर थे, पार्टनर थे, एडमिट कर दिया एस को, 30,000 रुपीज़ वो कैपिटल के लेके आया है। अच्छा, लेकिन वो कैपिटल के लेके आया है तो उसकी एक एंट्री रह गई बेटा, यहाँ पर कर देती हूँ मैं सबसे पहले एक एंट्री, वो कैपिटल के लेके आया तो पहले गुडविल को राइट ऑफ करोगे, उसके बाद कैपिटल की एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना लेके आया है वो 30,000। ठीक है, सी ब्रिंग्स कैपिटल इन कैश, यहाँ पर आप लिख लेना नरेशा। तो यहाँ पर देखो कैपिटल की एंट्री कर दी, कैपिटल आया, ये हो गई। उसके बाद पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, ये हो गई। उसके बाद वो कह रहा था कि नई गुडविल वो लेके नहीं आया और एपी के बेस पे निकालना था, तो एपी के बेस पे मैंने गुडविल कैलकुलेट कर ली और ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांट लेंगे, क्योंकि लेके नहीं आया था इसलिए करंट अकाउंट डेबिट करना था और ये सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांट लेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आई थिंक क्लियर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, देखो कह रहा है ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट ऑन लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर, सी ब्रिंग्स, इतना तो कैपिटल के लेके आया है और फर्म की गुडविल दे रखी है, तो 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 सी की गुडविल का शेयर आ जाएगा। शो द एंट्रीज, ये अगर वो गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक्स है ये एंट्री करनी है, गुडविल अपियर इन द बुक्स है फिर ये एंट्री करनी है, गुडविल अपियर इन द बुक्स ये एंट्री, मतलब और इसमें ये कह रखा है कि वो लेके आया है या नहीं लेके आया है, सिर्फ कैपिटल लेके आया है तो इसका मतलब गुडविल वो नहीं लेके आया है। ठीक है, क्लियर हो गया, गुडविल वो नहीं लेके आया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, आप करोगे क्या ए बी सी, क्वेश्चन नंबर है 42, ए बी रेशो है उनका 3:2, दे एडमिट कौन सी 4/1/3 शेयर, और क्या दे रखा है, गुडविल वैल्यूड दे रखी है, वैल्यूड मतलब फर्म की गुडविल दे रखी है, इसमें उसका शेयर निकाल लेंगे 1/3 करेंगे तो 50,000 तो गुडविल के जो वो डज नॉट ब्रिंग है, डजंट ब्रिंग मतलब नहीं लेके आया तो करंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे, डजंट ब्रिंग है। दूसरा और क्या है, वो कैपिटल के तो लेके आया है तो पहली एंट्री तो उसकी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट, जब कह रहा बुक्स में कोई अपीयर नहीं है गुडविल तो कैश अकाउंट डेबिट ए पार्ट है टू कैपिटल अकाउंट, कितना है बेटा 2,00,000। उसके बाद क्या कह रहा है, वो गुडविल में उसका पार्ट देख लिया हमने 50,000, और जब वो नहीं लेके आता तो हम क्या करते हैं, जो भी आ रहा था उसका करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, तो न्यू सी है, सी इज करंट अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइजिंग रेशो में, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, और जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होता है ना कि ए बी आया और सिर्फ 1/3 के लिए आया सी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो जो हमारा ओल्ड रेशो होता है वो ही सेक्रीफाइजिंग रेशो होता है, सेक्रीफाइजिंग रेशो, क्लियर। तो इसका मतलब इसी रेशो में बढ़ जाएगी 50,000 कितना 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000 और 20,000, मतलब कहना चाह रहा है जब भी यही इन्फॉर्मेशन दी हो ना, ए बी आए, ए बी पार्टनर है और सी आया, बस आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उस कंडीशन में ओल्ड ही आपका सेक्रीफाइजिंग रेशो होता है, वरना आप कैलकुलेट करके देख लेना।
ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड में क्या कह रहा है वो, जब कोई गुडविल अपीयर नहीं थी तो कैपिटल लाया और गुडविल को बांट लिया, लेकिन क्योंकि कैश में नहीं लाया था इसलिए उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। अगर हम सेकंड सिचुएशन में कहें तो वो कह रहा है गुडविल अपीयर है बुक्स में, तो सबसे पहले हमेशा पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। क्या आ जाएगी इसकी एंट्री, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर, और कौन से रेशो में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड रेशो में, और इस वाली गुडविल का नाम भी गुडविल ही आता है, ठीक है, वो तो प्रीमियम होता है और ये गुडविल होता है। कितनी थी उसकी गुडविल, 90,000, तो 90,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 3/5, 54,000, 36,000, आ गया समझ में, गुडविल राइट ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ये वाली गुडविल हमेशा ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी, जैसे रिजर्व होता है ना, क्योंकि ये हमारे पुराने पार्टनर्स की गुडविल होती है, तो जब भी नया आता है उससे पहले ही हम इसे राइट ऑफ कर लेते हैं। और जो ये वाली गुडविल होती है ये वैल्यूड वाली होती है, कि नए पार्टनर के आने के बाद कौन सी वाली गुडविल है, ये हमेशा सेक्रीफाइजिंग में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये वाली ओल्ड में हमेशा। अब सेकेंड वो कह रहे हैं यही एंट्रियाँ करनी है, पहले तो राइट ऑफ कर दी ओल्ड को, फिर वही कैश लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें तीन एंट्रियाँ हो जाएंगी, टू कैपिटल अकाउंट सेम एंट्री, कितना लाया था वो 2,00,000, और सेकंड वो क्योंकि गुडविल का पार्ट लेके नहीं आया इसलिए उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। बेटा कौन सा रेशो में, नई वाली गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशो में होता है, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, लेकिन इसमें इत्तेफाक से सेक्रीफाइजिंग रेशो भी कौन सा ही आएगा, यही आएगा, तो इसको 50,000 को कौन से रेशो में, सेक्रीफाइजिंग रेशो, सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांट लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 30,000 और 20,000, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, गुडविल अपीयर 1,80,000, तो सिर्फ यहाँ पर 180 आ जाएगा और उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे और ये दोनों एंट्रियाँ सेम रहेंगी, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आप कर लोगे, सिर्फ यहाँ पर 180 आके ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, क्योंकि पुरानी गुडविल को पहले राइट ऑफ करेंगे, फिर नई जो ला रहा है कैपिटल उसकी एंट्री, और जो नहीं ला रहा गुडविल का पार्ट उसमें करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हो गए हमारे 42। 43 में क्या है,